और वो माचिस जला के मुंह में फरक होता हूँ मैं, जलता नहीं है मुझे, और दो चार जानवर की आवाज़ निकलती है। गोलू, मैं मॉम बहुत गोलू। आई थिंक एवरी डे यार, जिस दिन मैं शूट करता हूँ, हर दिन शूट करना इस ब्लेसिंग है और कभी भी मेरी भी है। ऐसे इतने सारे काम कर चुका कि इससे याद नहीं होता, बट जैसे आज के लिए मान लो ना, रितेश और जेनेलिया से मिलना, क्योंकि मैंने 19 साल पहले देखी थी तुझे मेरे पसंद, और तब जाके मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो गाना भी था और वो देख के बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो फेवरेट डे आज का भी मान लो जैसे तू आके देख ले फ्रॉम द सिंगर द किंग करके कोई बंदा है, बहुत टैलेंटेड हूँ। वियर्डेस्ट चैलेंज बहुत सारा है यार, वो माचिस जला के मुंह में फरक होता हूँ मैं, जलता नहीं है मुझे, और ऐसे करके बॉटल ओपनर की आवाज़ निकाल सकता हूँ, और दो चार जानवर की आवाज़ निकाल सकता हूँ। एक्चुअली मैं अभी मुझे सच में याद नहीं है, बट वो लड़का और लड़की के बीच में आर्गूमेंट वाला कुछ क्वेश्चन था हमारा, वो बेस्ट था। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत फन है। उन्हें सब पता है यार, जो मुझे नहीं पता उन्हें पता चल जाता है, पता नहीं क्यों, कहाँ से वो ढूंढ निकालते हैं। कुछ भी मतलब वन विश, क्यों विश हुई तो बहुत सारी होनी चाहिए, एक विश से क्या होगा पूरा। अच्छा, वन विश की मैं टाइम ट्रैवल कर सकूँ कहीं पे भी, बहुत सारी है, तुम्हें तो पहले बताता हूँ। सेक्स नहीं यार, खाना, घूमना, रहना, मूवीज, कपड़े, कॉन्वर्सेशन, बहुत ऐसा थोड़ी है कि हर डिसएग्री, हर आर्गूमेंट या मतलब बहस हर चीज़ में करनी जरूरी है, ये भी बहुत करते हैं। सोना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें होती हैं इस शो के दौरान, जो आपको नहीं पता होगा आपके घर में बैठ के, कि आपके बगल वाले या बाहर वाले लोग जो अगल बगल में रहते हैं वो क्या सोचते हैं एक लेडीज़ के बारे में, जेंटलमैन के बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेके बनाया गया है या फिर गाँव को लेके, ये पूरी दुनिया को, पूरी इंडिया को देख के निकलते हैं। तो घर बैठे बैठे आप बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाएगा कि दुनिया किस चीज़ पे अग्री करती है, किस चीज़ पे डिसएग्री करती है। आई मीन लेडीज़ और जेंटलमैन के नेचर की बात है। सो अगर आपके पति से आपका झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है आपको पता चल जाएगा, और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जाए तुम्हें पता चल जाएगा क्यों छोड़ के जाए।